दरगाह जियारत कर ब्यावर के समीप राबड़िया कालिया गांव की मस्जिद में ठहरे कर्नाटक मैसूर निवासी जायरीन को सांप ने काट लिया। घटना उस वक्त हुई जब जायरीन मोइनुद्दीन मस्जिद में सो रहा था। इस दौरान किंग कोबरा सांप ने उसके पेट पर काट लिया। घटना के बाद लोगों ने सांप को पकड़ लिया। वहीं सांप काटने से अचेत हुए मोइनुद्दीन को ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे जेलन अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मोइनुद्दीन के साथ लोग उस मरे हुए सांप को भी अस्पताल लेकर आए, जिसने उसी को काटा था। मस्जिद में रात को कयाम किया, सो रहे थे, आराम कर रहे थे। रात्रि 11 बजे करीबन एक जहरीला सांप वहाँ मस्जिद में घुस गया और उनके पेट में खा गया, और वहाँ से फिर ब्यावर अमृत कौर चिकित्सालय में ले गए। वहाँ उनके साथ में जो है बिल्कुल कहीं का मतलब जो इलाज होना चाहिए था वो प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया है, और लचीलापन बढ़ता है वहाँ पर, तो उसका निस्बत के भाई वहाँ अजमेर जेएलएन में उनको रेफ़र किया है। सुबह जैसे मुझे पता पड़ा, मैंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विक्रांत शर्मा जी से बात करी और उन्होंने तुरंत यहाँ जो है इलाज शुरू करवाया है, और अभी जो है डॉक्टर संजय महेश्वरी जी आए हैं, उन्होंने चेक किया है। सांप जो है बड़ा जहरीला बताया, सांप को भी देखा उन्होंने, और अभी हालत चिंताजनक बनी हुई है।